दोस्तों आज हम लोग 15 फीट इंटू 30 फीट के प्लान के रिगार्डिंग बात करेंगे। ये 50 गज में बना हुआ है, इसका स्क्वायर फीट है 450 स्क्वायर फीट और इसका बिल्डिंग कॉस्ट आ जाएगा अप्रोक्स 5 लाख पर यूनिट। फ्रंट साइड में रोड है और इस साइड में भी रोड है। ये दो फेस का प्लान है। इसका फ्रंट का डायमेंशन है 15 फीट, इस साइड का डायमेंशन है 30 फीट, बैक का डायमेंशन हो गया 15 फीट और इस साइड का डायमेंशन 30 फीट। इस प्लान में सभी वॉल 5 इंच के दिए गए हैं, ये 5 इंच है। दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पे आपको इस प्लान में दो शॉप मिल जाता है, एक शॉप दो फेस का है और एक शॉप और जो है उसको आप दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कार पार्किंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दुकान के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्लान में सेपरेट स्टेयर आपको मिल जाता है, ग्राउंड फ्लोर पे भी एक छोटा सा बाथरूम मिल जाता है और फर्स्ट फ्लोर पे टू रूम सेट मिल जाता है। दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, टोटल डायमेंशन आपको मिल जाएगा इसमें। इस प्लान में हम लोग सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर का डायमेंशन करेंगे, उसके बाद फर्स्ट टू टॉप फ्लोर का डायमेंशन करेंगे और इसके बाद इस प्लान का हम लोग 3D व्यू देखेंगे, एक्सटीरियर भी देखेंगे, इंटीरियर भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राउंड फ्लोर के प्लान के डायमेंशन से। ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, इस साइड में भी रोड है और इस साइड में भी रोड है। एक शॉप यहाँ दिया गया है और एक शॉप यहाँ दिया गया है जिसको आप कार पार्किंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस शॉप का डायमेंशन है 10 फीट 11 इंच इंटू 14 फीट 2 इंच। इस साइड का डायमेंशन है 10 फीट 11 इंच और इस साइड का डायमेंशन है 14 फीट 2 इंच। इस शॉप का दो फेस है, एक फेस इस साइड में भी है, एक फेस इस साइड में भी है। ये शॉप दिया गया है, इसका डायमेंशन है 10 फीट 11 इंच इंटू 14 फीट 2 इंच। इस साइड का डायमेंशन है 14 फीट 2 इंच और इस साइड का डायमेंशन है 10 फीट 11। आप इस शॉप को कार पार्किंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जगह पे मेन गेट लगा हुआ है, इससे शेयर एरिया में आ जाएंगे और यहाँ से अप होंगे तो ये फर्स्ट लैंडिंग आ जाएगा 8 फीट हाइट पे। इसके बाद और अप होकर के हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच जाएंगे। ये स्टेयर एरिया है, इसका डायमेंशन है इस साइड का 12 फीट 11 इंच और इस साइड का 6 फीट 6 इंच। एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है 3 फीट 3 इंच का, एक डायमेंशन यहाँ दिया गया 3 फीट 3 इंच का और लैंडिंग का ये डायमेंशन दिया गया है यहाँ पे 3 फीट 3 इंच का। एक डोर यहाँ पे दिया गया है इस कार पार्किंग तरफ से आने जाने के लिए। हम लोग बाथरूम की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पे भी मैंने एक छोटा सा बाथरूम दिया हुआ है। ये बाथरूम है, इसका डायमेंशन है 4 फीट 4 इंच इंटू 4 फीट 1 इंच। यहाँ पे टॉयलेट सीट लगा हुआ है, यहाँ पे वॉश बेसिन दिया हुआ है। ये डोर है इस बाथरूम का। वेंटिलेशन के लिए मैंने यहाँ पे OTS दिया हुआ है, ये OTS है, इसका डायमेंशन है 4 फीट 4 इंच इंटू 2 फीट। एक विंडो इस बाथरूम साइड में लगा हुआ है, यहाँ पे एक विंडो इस स्टेयर साइड में लगा हुआ है। आप इस बाथरूम के एयर को इस OTS के द्वारा ऊपर तक एग्जॉस्ट कर सकते हैं। ये था दोस्तों ग्राउंड फ्लोर का प्लान। अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं। इस स्टेयर से यहाँ से आप होंगे, यहाँ फर्स्ट लैंडिंग आ जाएगा 8 फीट हाइट पे, फिर और अप होकर के हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच जाएंगे। ये फर्स्ट फ्लोर का मेन गेट है, यहाँ से जब इन करेंगे स्टेयर साइड से तो ये डाइनिंग स्पेस आ जाएगा जिसका डायमेंशन है 9 फीट इंटू 8 फीट 3 इंच। इस साइड का डायमेंशन है 9 फीट और इस साइड का डायमेंशन है 8 फीट 3 इंच। इस डाइनिंग स्पेस में यहाँ डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, यहाँ पे एक वॉश बेसिन दिया हुआ है, इस साइड में टीवी लगा हुआ है। ये डोर है किचन साइड में आने जाने के लिए और ये डोर है अंदर बेडरूम में जाने के लिए और यहाँ पे ये बाथरूम में जाने के लिए डोर दिया हुआ है। हम लोग बाथरूम की बात करते हैं। ये बाथरूम है जिसका डायमेंशन है 6 फीट इंटू 4 फीट 4 इंच। इस साइड का डायमेंशन है 6 फीट और इस साइड का डायमेंशन है 4 फीट 4 इंच। एक यहाँ पे शावर पैनल लगा हुआ है, यहाँ वॉश बेसिन दिया हुआ है और यहाँ पे टॉयलेट सीट लगा हुआ है। ये बाथरूम का डोर है। हम लोग OTS की बात करें तो ये OTS दिया हुआ है जिसका डायमेंशन है 2 फीट इंटू 4 फीट 4 इंच। इस साइड का डायमेंशन है 4 फीट 4 इंच और इस साइड का डायमेंशन है 2 फीट। इस OTS में एक विंडो यहाँ पे लगा हुआ है और एक विंडो इस साइड में लगा हुआ है। इस बाथरूम के एयर को आप इस OTS के द्वारा ऊपर तक एग्जॉस्ट कर सकते हैं। हम लोग किचन में आते हैं। ये किचन है, इसका डायमेंशन है 8 फीट इंटू 4 फीट 9 इंच। इस साइड का डायमेंशन है 8 फीट
और इस साइड का डायमेंशन है 4 फीट 9 इंच। इस किचन में यहाँ गैस स्टोव रखा हुआ है, यहाँ किचन सिंक लगा हुआ है और ये विंडो है ओटीएस साइड में। इस डाइनिंग स्पेस से इस साइड में आएंगे तो ये गेस्ट रूम आ जाएगा। यहाँ मैंने गेस्ट रूम दिया हुआ है जिसका डायमेंशन है 10 फीट 11 इंच × 9 फीट। इस साइड का डायमेंशन है 10 फीट 11 इंच और इस साइड का डायमेंशन है 9 फीट। इस गेस्ट रूम में है एक बेड लगा हुआ है, यहाँ सेंटर टेबल लगा हुआ है और ये सोफा लगा हुआ है। यहाँ पे एक चेयर, यहाँ पे सिंगल चेयर दिया गया है। ये डोर है बालकोनी साइड में जाने के लिए और यहाँ पे एक विंडो दिया गया है। हम लोग बेडरूम में आते हैं। डाइनिंग स्पेस से इस साइड आएंगे तो ये बेडरूम आ जाएगा जिसका डायमेंशन है 10 फीट 11 इंच × 9 फीट। इस साइड का डायमेंशन है 10 फीट 11 इंच और इस साइड का डायमेंशन है 9 फीट। ये बेड लगा हुआ है, यहाँ पे सोफा लगा हुआ है, यहाँ सेंटर टेबल लगा हुआ है, एक चेयर दिया गया सिंगल, यहाँ पे ये टीवी लगा हुआ है और यहाँ पे एक विंडो दिया गया है, एक डोर दिया गया है यहाँ पे बालकोनी में जिसे आप ओपन भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि एक डोर इस साइड में भी दिया गया है बालकोनी के लिए। हम लोग सेपरेट बाथरूम की बात करें तो यहाँ मैंने एक सेपरेट बाथरूम दिया हुआ है। ये बाथरूम है जिसका डायमेंशन है 6 फीट × 4 फीट 9 इंच। इस साइड का डायमेंशन है 6 फीट, इस साइड का डायमेंशन है 4 फीट 9 इंच। एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है 3 फीट 7 इंच का। यहाँ पे टॉयलेट सीट लगा हुआ है, यहाँ पे शावर पैनल लगा हुआ है, एक वेंटिलेशन दिया गया है यहाँ पे रोड साइड में। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए एक और ओटीएस दिया गया है। इस ओटीएस में एक विंडो इस साइड किचन साइड लगा हुआ है, एक विंडो इस बाथरूम साइड लगा हुआ है और इसी बाथरूम साइड में एक इस साइड में लगा हुआ है। इस बाथरूम और इस किचन के एयर को आप इसके थ्रू ऊपर तक एग्जॉस्ट कर सकते हैं और बेडरूम में लगे एसी के पाइपलाइन को भी आप इस ओटीएस के द्वारा ऊपर तक ले जा सकते हैं। अब हम लोग इस तरफ आते हैं दोस्तों। इस प्लान में फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक एक बालकोनी इस साइड में है और एक बालकोनी इस साइड में है। इस बालकोनी का डायमेंशन है 3 फीट 6 इंच × 14 फीट 10 इंच और इस साइड का डायमेंशन है 9 फीट 5 इंच × 3 फीट 6 इंच। दोस्तों इस बालकोनी के लिए इस साइड में 3 फीट 6 इंच आगे की ओर निकाला हुआ है। इस साइड में भी 3 फीट 6 इंच आगे की ओर निकाला हुआ है रोड साइड में, जो फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक सेम डायमेंशन रहेगा। दोस्तों इस प्लान में इस गेस्ट रूम के लिए भी 3 फीट 6 इंच यहाँ आगे की ओर निकाला हुआ है, जो फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक सेम रहेगा। और इस स्टेयर के लिए 3 फीट 6 इंच यहाँ निकाला हुआ है, फर्स्ट लैंडिंग से टॉप लैंडिंग तक सेम रहेगा, ये 3 फीट 6 इंच। ये था दोस्तों हमारा इस 15 फीट × 30 फीट का हाउस प्लान। अब हम लोग इस प्लान का 3D व्यू देखते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर का 3D व्यू है। एक शॉप यहाँ दिया गया है जिसका फेस इस साइड में भी खुला हुआ है और इस साइड में भी खुला हुआ है, और एक शॉप यहाँ दिया गया है जिसे आप कार पार्किंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से मेन गेट दिया गया है स्टेयर होकर के, और ये इस कार पार्किंग साइड से एक डोर यहाँ दिया गया है स्टेयर में। यहाँ पे एक बाथरूम दिया गया है। हम बाथरूम की बात करें, ये बाथरूम है छोटा सा और ये ओटीएस है। इस बाथरूम में ये डोर है, यहाँ पे टॉयलेट सीट लगा हुआ है, यहाँ वॉश बेसिन लगा हुआ है और इस ओटीएस में एक विंडो इस साइड लगा हुआ है स्टेयर साइड में और एक विंडो इस बाथरूम साइड में लगा हुआ है। ये स्टेयर एरिया है, यहाँ से अप होना स्टार्ट होंगे, ये फर्स्ट लैंडिंग आ जाएगा 8 फीट हाइट पे और फिर अप होकर के हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच जाएंगे। हम लोग फर्स्ट फ्लोर का 3D व्यू देखते हैं। इस स्टेयर साइड से जब यहाँ से इन करेंगे तो ये डाइनिंग स्पेस आ जाएगा। इस डाइनिंग स्पेस में यहाँ वॉश बेसिन लगा हुआ है, इस साइड में टीवी लगा हुआ है, इधर मिरर लगा हुआ है, ये किचन साइड में आने जाने के लिए है और बेडरूम साइड में आने जाने के लिए डोर है और ये है गेस्ट रूम साइड में आने जाने के लिए डोर, ये बाथरूम साइड में आने जाने के लिए है। ये बाथरूम है, इसमें टॉयलेट सीट यहाँ लगा हुआ है, यहाँ वॉश बेसिन लगा हुआ है, यहाँ शावर पैनल लगा हुआ है, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है और ये विंडो है ओटीएस साइड में। हम लोग किचन की बात करते हैं। इस साइड से आएंगे तो किचन आ जाएगा। ये किचन स्लैब लगा हुआ है यहाँ पे, ये गैस स्टोव रखा हुआ है, यहाँ किचन सिंक लगा हुआ है और दूसरा ओटीएस जो है उस साइड में ये विंडो लगा हुआ है। हम लोग गेस्ट रूम में आते हैं। ये गेस्ट रूम है। इस गेस्ट रूम में ये डोर है आने जाने के लिए, यहाँ सोफा लगा हुआ है, यहाँ सेंटर टेबल लगा हुआ है, ये छोटा सा चेयर दिया गया है और एक बेड लगा हुआ है यहाँ पे। ये विंडो है रोड साइड में और ये डोर है बालकोनी साइड में आने जाने के लिए। यहाँ पे टीवी लगा हुआ है। हम लोग बेडरूम की बात करते हैं। हम लोग इस डोर से जब अंदर आएंगे तो बेडरूम आ जाएगा। ये बेडरूम है, इसमें यहाँ पे सेंटर टेबल लगा हुआ है, यहाँ सोफा लगा हुआ है, यहाँ छोटा सा एक चेयर और दिया गया है,
एक बेड लगा हुआ है यहाँ पे। इस बेडरूम में यहाँ दो विंडो लगे हुए हैं, एक विंडो इस साइड में है और एक विंडो इस साइड में है। ये डोर है बालकोनी में आने जाने के लिए। यहाँ टीवी लगा हुआ है और एक डोर यहाँ दिया गया है बालकोनी के लिए, जो आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। इस बेडरूम के साथ हमने एक यहाँ पे सेपरेट बाथरूम दिया हुआ है। ये बाथरूम है, इस बाथरूम में यहाँ पे टॉयलेट सीट लगा हुआ है, यहाँ पर शावर पैनल लगा हुआ है, एक वेंटिलेशन यहाँ दिया गया है। इस बाथरूम में ओटीएस साइड में दो विंडो लगे हुए हैं, एक विंडो इस साइड से लगा हुआ है, एक विंडो वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे लगा हुआ है। ये था हमारा 15 फीट x 30 फीट का हाउस प्लान का 3D व्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।